अमर रहे न रहे। नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड के नौ सैनिक सूरज कुमार दुबे को दी गई अंतिम विदाई। नौ सैनिक सूरज कुमार दुबे का पार्थिव शरीर देर रात रविवार को पलामू लाया गया। सोमवार को उनके पैतृक गांव चैनपुर थाना क्षेत्र के कोलुआ गांव के निकट स्थित कोयल नदी में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। बता दें आपको कि सूरज दुबे के परिजनों के अनुसार सूरज 2 जनवरी को छुट्टी पर अपने घर आए थे और 30 जनवरी को वह पलामू से कोयम्बटूर के लिए निकले थे, जिसके बाद सूरज दुबे का मोबाइल ऑफ आने लगा था, जिसके बाद 5 फरवरी को वह घायल स्थिति में मुंबई में मिला था। जलने से वह बुरी तरह से घायल था। सूरज दुबे के केस में अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पालघर पुलिस के अनुसार नौ सैनिक सूरज कुमार दुबे एक शौकीन शेयर बाजार का खिलाड़ी था, जिसने 23 लाख रुपए का भारी कर्ज ले रखा था। सूरज कुमार दुबे का केस अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने सीबीआई जाँच की मांग की है। सांसद विष्णुदयाल राम ने ट्वीट करते हुए लिखा, सूरज कुमार दुबे की हत्या की घोर निंदा करता हूं। इस संबंध में पत्र लिखकर माननीय गृह मंत्री से सीबीआई से जांच कराने व रक्षा मंत्री से नौसेना के पदाधिकारियों व पुलिस की टीम बनाकर सेना के दृष्टिकोण से जांच कराने हेतु अनुरोध किया है। लेकिन फिरौती के लिए अपहरण मेरे बेटे का नहीं हुआ है। क्या लगता है सेना के कुछ सीक्रेट जानने के लिए? हाँ हाँ, इसी बात के लिए तो वहाँ के वही सब तो अति था। वो टॉर्चर 3 दिन बेटा को रख के किया है और वहाँ से 1100-1300 किलोमीटर दूर फेंका है। पता तो चले कि आखिर ये युवक किस प्रकार इसकी हत्या हुई, कौन कौन लोग थे इसके पीछे, कहीं कोई हो सकता है कि देश की इस सेना का जो अंग है, इस पर भी कोई प्रश्न उठे कि आखिर इतने दिनों तक वो लापता था। तो यहाँ से तो घर वाले कह रहे थे कि चल दिया है यहाँ से। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।